विरोध प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर चीनी सरकार, कोरोना नियमों में दी गई ढील, चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा। रूस पर यूक्रेन का हमला, अमेरिका पर उकसाने का आरोप, बाइडेन में मंत्री बोले हमारे कोई हाथ नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका ने की भारत की सराहना, कहा भारत विविधताओं का घर है, धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी रहेगा समर्थन। भारत के नीरव के प्रत्यार्पण की अपील पर ब्रिटेन के अदालत में सौंपे जवाब, यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय में अपने आदेश के खिलाफ अपील। ईरान में इस साल 504 लोगों को दी जा चुकी मृत्यु दंड की सजा, IHR ने दिया चौंकाने वाला आंकड़ा, अलग अलग अपराधों में ईरानी हुकूमत ने सुनाई है सजा। ऑस्ट्रेलिया में रुकेगी खालिस्तानी साजिशें, पीएम मोदी की विजिट से पहले खालिस्तानी नेताओं के वीजा की होगी जांच, सुरक्षा एजेंसी सतर्क, ऑस्ट्रेलिया में रुकेगी खालिस्तानी साजिशें। तालिबान ने पाक फौजी का सर काटा, कत्ल के बाद सैनिक का शव पेड़ पर लटकाया, लोगों से कहा जनाजे में शामिल ना हो। राज्यसभा में पीएम मोदी ने की सभापति धनखड़ की तारीफ, कहा आप सदन की शोभा बढ़ा रहे, पीएम मोदी ने की सभापति धनखड़ की तारीफ। एमसीडी चुनाव, सभी 250 सीटों के नतीजे घोषित, आप 134 और बीजेपी 104 सीट जीती, कांग्रेस 9 और अन्य 3 सीटें जीती। तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जलीकट्टू मामला, सुप्रीम कोर्ट में कल भी जारी रहेगी सुनवाई, सरकार ने जलीकट्टू का एससी में फिर किया बचाव। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन संशोधन बिल राज्यसभा में पेश, बहुराज्य सहकारी संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश। बांग्लादेश में लगातार दूसरी बार सिरे झुहारा भारत, आखिरी दो गेंदों पर 2 छक्के की थी जरूरत, रोहित एक ही जमा सके। लाबुशेन बने नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज, जो रूट नंबर 4 पर खिसके, आईसीसी ने जारी की नई रैंकिंग। भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा चोटिल, एक्सरे के लिए अस्पताल गए, बांग्लादेश की पारी के 90 ओवर में हाथ में लगी चोट। वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में चानू ने जीता सिल्वर मेडल, ओलंपिक चैंपियन को पीछे छोड़ा, उठाया 200 किलो वेट।